नमस्ते प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे साथ विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एडुसेट पर प्रसारित कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही दिलचस्प और जानकारी परक कहानी। यूँ तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, परंतु मेरी कहानी उन सब से अलग है। आप सोच रहे होंगे कैसे? वह ऐसे क्योंकि यह न तो पशु पक्षियों की कहानी है, न राजा रानी की, न परियों की, न चमत्कारों की, फिर किसकी कहानी हो सकती है यह? मेरी यह कहानी है अक्षरों की कहानी, जो छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक में संकलित पांचवा पाठ है, अक्षरों का महत्व, और जिसे लिखा है श्री गुणाकर मुले जी ने। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि अक्षरों का ऐसा क्या विशेष महत्व है जिसके बारे में जानना इतना आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से यह सब जान पाएंगे कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अक्षरों का ज्ञान मनुष्य को सबसे पहले कब और कैसे हुआ? अक्षरों की खोज से पहले मनुष्य अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आए? क्या अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति का विकास हुआ? अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई? तो आइए तलाश करते हैं आपके इन सब प्रश्नों के उत्तर अक्षरों की इस कहानी के माध्यम से। यह तो आप जानते ही होंगे बच्चों कि हमारी धरती बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी, 5 अरब साल पुरानी। 5 अरब साल पहले जब धरती की उत्पत्ति हुई तो उसके भी 2-3 अरब साल बाद तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे जानवरों और वनस्पतियों का जन्म हुआ और करोड़ों साल तक इन्हीं का ही धरती पर राज्य रहा। उसके बाद जाकर आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया कोई 5 लाख साल पहले, और तब जाकर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उसके बाद अब से कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, फिर उसने खेती शुरू की। इसके बाद उसने पहले पत्थर के औजार बनाए, फिर तांबे और कांसे के। जैसे जैसे मानव विकास करता गया, उसे भावों की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए पहले उसने चित्रों का प्रयोग किया, जैसे आदमियों, पशुओं, पक्षियों के चित्र। फिर इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूरज का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और गर्मी का सूचक बन गया, यानी जब भी गर्मी या ताप के बारे में कोई बात होती तो इसी भाव संकेत का प्रयोग होने लगा, और इस प्रकार अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इन चित्र संकेतों और भाव संकेतों के भी बाद में अक्षरों की खोज हुई। और जानते हो बच्चों, अक्षरों की खोज का यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? मुश्किल से 6,000 साल पहले, केवल 6,000 साल पहले। और अब शुरुआत होती है एक नए युग की, अक्षरों की खोज के साथ। यदि अक्षर न होते तो आपकी यह पुस्तक भी न होती। इस संसार में हर रोज़ हजारों की संख्या में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें छपती हैं, और इन सब के मूल में हैं अक्षर। तो आप कल्पना करके देखो बच्चों कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। पुराने ज़माने के लोग यह सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अक्षरों की खोज स्वयं मनुष्य ने ही की है और इन्हीं अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखना शुरू किया और उसी के बाद से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। और जब से आदमी ने लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास की भी शुरुआत हुई। किसी भी राष्ट्र या जाति का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षरों की खोज से पहले का जो समय था बच्चों, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था, उस समय को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का समय कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो न तो हम इतिहास के विषय में जान पाते और न ही यह जान पाते कि कुछ हजार साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, उस समय कौन कौन राजा हुए आदि आदि। इन्हीं अक्षरों की खोज की बदौलत ही एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने लगा और इसी कारण मानव जाति का तेजी से विकास हो सका। तो यह थी बच्चों अक्षरों की कहानी। अब तो आप भली भांति समझ गए होंगे ना कि हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे और मैं यह भी आशा करती हूँ कि आप सब यह बखूबी समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। यह अक्षर ही हैं जिनकी बदौलत हम एक दूसरे की बातों को सुन बोल पढ़ और लिख पाते हैं और समझ पाते हैं। आइए बच्चों पाठ में आए कुछ नए शब्दों के बारे में भी जान लें। तादाद संख्या, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा है। द्योतक सूचक, सिलसिला क्रम, पीढ़ी वंश परंपरा, प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले का, कौम जाति, समाचार पत्र अखबार। आइए बच्चों अब प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर भी हम देखेंगे। निबंध से का पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उत्तर, अक्षरों की खोज के साथ निश्चित रूप से एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके बाद से ही आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा जिससे एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज के बाद से ही मनुष्य इतिहास को जान पाया है। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का सिलसिला आज से लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ था। उससे पहले मनुष्य चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों को दिखाने के लिए रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया और इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर इनके पश्चात आवश्यकता अनुभव हुई अक्षरों की, तब जाकर शुरुआत हुई अक्षरों की खोज के सिलसिले की। तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्रों तथा भाव संकेतों जैसे माध्यमों का सहारा लेता था। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं देने हैं बच्चों,
क्योंकि अनुमान और कल्पना हर किसी की अलग अलग होती हैं। तो मेरी कल्पना कुछ और होगी, आपकी कल्पना कुछ और होगी। तो आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा, सुना, समझा, तो अब आपने उसी के आधार पर अपना स्वयं का अनुमान लगाना है और स्वयं की कल्पना करनी है और इन दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही खोजने हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। आप अपने परिवार में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करें और आपस में एक दूसरे को सुनाएं। तीसरा प्रश्न है, क्या होता अगर हमारे आसपास अक्षर ना होते? क्या होता अगर भाषा ही ना होती? भाषा की बात के अंतर्गत पहले हम बात करेंगे बच्चों उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग की परिभाषा जानने से पहले कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अनादि, सुपुत्र, पराजय। इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि यह सभी शब्द मूल शब्द में कुछ अन्य शब्दांश जुड़ने पर बने हैं। जैसे अनादि शब्द को यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि इसमें अन और आदि शब्द जुड़े हुए हैं, जिनमें से आदि शब्द मूल शब्द है जिसमें अन उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार सुपुत्र शब्द में पुत्र मूल शब्द है और सु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और अगर पराजय में आप देखें तो पराजय में मूल शब्द जय है और परा शब्दांश जुड़ा हुआ है। तो तीनों ही उदाहरणों में आपने देखा कि मूल शब्द के शुरू में कुछ शब्दांश जुड़े हुए हैं, इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपने देखा अनादि शब्द में आदि शब्द का अर्थ है शुरुआत या प्रारंभ। इसमें अन उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया, अनादि का अर्थ हो गया जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। इसी प्रकार सुपुत्र में देखिए, सुपुत्र में सु का अर्थ है अच्छा और पुत्र का अर्थ है बेटा। इस प्रकार सुपुत्र का अर्थ हुआ अच्छा बेटा। पराजय शब्द को देखते हैं, पराजय शब्द में परा उपसर्ग का अर्थ है विपरीत और जय शब्द का अर्थ है जीत। लेकिन दोनों शब्दों को जब एक साथ मिलाया गया तो नया शब्द जो पराजय बना उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो गया और उसका अर्थ हो गया हार, यानी हार जाना। अब मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ जिन्हें आपने उनके उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा, अभिमान, अवगुण, नियम, प्रयोग। भाषा की बात के इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे बच्चों संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की। परंतु इनके बारे में जानने से पहले आपको विशेषण के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो पहले वही देख लेते हैं, विशेषण क्या होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और यह चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब बात करते हैं पहले संख्यावाचक विशेषण की। पहले कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। पहला उदाहरण है, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। दूसरा, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। दोनों ही वाक्यों में रेखांकित शब्द 5 अरब और 10,000, ये दोनों शब्द साल शब्द की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ साल जो शब्द है बच्चों, वह संज्ञा है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, और इन दोनों ही वाक्यों में सालों की संख्या दी हुई है, पहले में 5 अरब और दूसरे में 10,000, इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। 2 कमीज़ें, बहुत बच्चे, 4 पुस्तकें। यहाँ पर पहले उदाहरण में 2 शब्द जो है वो कमीज़ों की संख्या बता रहा है कि कमीज़ें कितनी हैं, 2 हैं। बहुत बच्चे, बच्चे कितने हैं, बहुत हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की संख्या तो नहीं दी हुई, लेकिन जितने भी हैं, बहुत हैं, कम हैं, उनको गिना जा सकता है, इसलिए बहुत बच्चे शब्द हम इसके किस में गिनेंगे, हम इसको किस में रखेंगे, संख्यावाचक विशेषण में। 4 पुस्तकें, पुस्तकों की संख्या दी हुई है 4। तो यह उदाहरण तो हमने देखे कि जिन चीज़ों को गिना जा सकता है, यानी गिनी जा सकने वाली चीज़ों के। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चों ऐसी भी होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम मापतोल के शब्दों में प्रयोग करते हैं। उन चीज़ों के साथ जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ मापतोल संबंधी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध आदि। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर पहले उदाहरण में 1 किलो चीनी शब्द की विशेषता बता रहा है, 5 मीटर कपड़ा शब्द की और 3 लीटर दूध शब्द की विशेषता बता रहे हैं। उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में चीनी, कपड़ा और दूध तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मापतोल की बात की जा रही है, ना कि संख्या की। अतः यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इस अभ्यास को आपने स्वयं करना है बच्चों। दिए गए बॉक्स में से संख्या और मापतोल संबंधी उचित शब्द छांटकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपने भरने हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। किसी अन्य विषय के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।